मामले मंच से आप पर आरोप लगाए हैं कि 2014 के बाद आपके पास 11 वेयरहाउसेस 2000 बीघा जमीन है, इंदौर में भी और प्रदेश के बाहर भी। भगवान माँ भगवती के दरबार में बैठे हैं, उनके आशीर्वाद फले और फूले अगर ऐसे हो जाए तो और अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह ने कल यह भी दावा किया कि उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता है। किसके ऊपर? उनके ऊपर नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार भी नहीं है। जिसके संस्कार जिसके पास जो होंगे वो होंगे। दिग्विजय सिंह रणनीति बना रहे हैं कि चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो, वे 400 लोगों को खड़ा कर सकते हैं जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। यदि हुए तो आप इसे अपना कितना नुकसान मानते हैं? देखिए, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, चाहे बैलेट पेपर से हो चाहे ईवीएम से हो। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, नरेंद्र मोदी के साथ में है, कमल के फूल को विजयश्री दिलाने में कोई रोक नहीं सकता। आरोप लगाए कि दिग्विजय सिंह 77 साल की उम्र में भी पद यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जबकि आप सांसद होने के बाद भी 10 सालों में सुसनेर क्षेत्र में भी कभी कभी दिखाई दिए। ऐसा है, आरोप लगाना ये कांग्रेस के विपक्ष का काम है, उनको लगाना चाहिए, लेकिन जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं। धन्यवाद।